रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हैस्को के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित होने जा रहे हैं। पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी को पर्यावरण, पारिस्थितिक और ग्राम्य विकास से जुड़े मुद्दों को आगे ले जाने पर उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। वो नदियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को राष्ट्र स्तर पर लेकर गए हैं। डॉक्टर जोशी को जमनालाल बजाज अवार्ड भी मिल चुका है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि पर्यावरण, पारिस्थितिक और ग्राम्य विकास से जुड़े मुद्दों को आगे ले जाने पर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो हैस्को संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल जोशी, पर्यावरण और ग्राम्य विकास के काम में जुटे हुए हैं, जिस वजह से इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए इस बार जब घोषणा हुई तो उनमें इनका नाम था। साल 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे। जमनालाल बजाज अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। समझता हूँ ये सबका एक सम्मान है, ये मात्र मेरा ही नहीं है। और क्योंकि सामाजिक आंदोलन किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, ये सबके होते हैं। ये बात दूसरी है कि मेरा नेतृत्व रहा होगा, लेकिन मैं तब तक शून्य हूँ जब तक लोग नहीं हैं, गांव नहीं है। और ये एक लंबे समय की जद्दोजहद थी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति नया नज़रिया होना चाहिए। वो नज़रिया ऐसा कि हम खाली इकोनॉमी की बात ना करें, हम इकोलॉजी की बात भी करें।